हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। फ्रेंड, जो वैकेंसी निकली हुई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, उसका देखेंगे क्या अब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो रिजल्ट निकला हुआ है वह क्या कैंसिल होगी, क्या सेकंड काउंसलिंग आएगी, कब तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होगा, कैसे करना है, सारी प्रोसेस देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल साइट है। प्रेजेंटली देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1103 जो है कैंडिडेट एस्पिरेंट ऑनलाइन है इसके अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपडेट आए या ना आए, अपडेट बनाए रखना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कैंडिडेट प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं वह उसकी सूचना नहीं लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है फ्रेंड्स। आप प्रतियोगिता में है या नहीं है, कंपटीशन में, आपको जो भी आप अप्लाई किए हैं पोस्ट के लिए, उसकी तब तक अपडेट पाए रखना ज़रूरी है जब तक इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि रिशेड्यूल होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है समय समय पर। इसलिए फ्रेंड्स, ओवरऑल सभी कैंडिडेट को जो भी अपडेट आता है नज़र बनाए रखना चाहिए फ्रेंड्स अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस सेक्शन है, जैसा कि हमने क्लिक किया है फ्रेंड्स, ये ओपन हो रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, 27 मई 2019 की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार विशेष सचिव नई नियुक्तियों से संबंधित सूचना, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया है इसके सारे अपडेट। इस बार क्या हुआ था फ्रेंड, डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए बुला दिया गया था। तो इसी के लिए फ्रेंड्स बहुत सारी आवाज़ उठने लगी थी, ए लॉट ऑफ एरर होने के बावजूद भी डायरेक्ट काउंसलिंग, हाउ इट पॉसिबल, इट्स, इसके विरोध के चलते खुद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए निकाल दिया है। देख सकते हैं, जो कि सारे पोस्ट के लिए है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, नोटिस सेक्शन में ये, क्योंकि स्क्रॉल बार पे यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी लिस्ट निकले हुए हैं, चाहे वो फाइनल सबमिट के हो या नॉन फाइनल सबमिट के, अगर आपके कोई भी क्यूरी हो तो आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर नॉन फाइनल में हैं तो भी कर सकते हैं, फाइनल में है कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स, चाहे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो इस सारे में, तो आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 7 जून 2019
ये सभी के लिए फ्रेंड्स, ये जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। यह नहीं कि ये जिनका काउंसलिंग में है, लिस्ट में नेम है, वहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिया गया है मेल उसमें अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है उसको, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है आपका फादर्स नेम, मदर्स जो भी है, जो आपका क्यूरी है उसको करना है। तो फ्रेंड्स ये स्वाभाविक है कि ये जितने भी सारे लिस्ट बने हुए हैं ये रीशेड्यूल होंगे, फिर से बनेंगे काउंसलिंग जो भी है ये, इसलिए ये फिर से, जाहिर सी बात है फ्रेंड, जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अलॉट ऑफ होंगे तो अलॉट ऑफ एरर जो है उसका जो है सुधार किया जाएगा। तो ये चेंजिंग 100% होना है आपको, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप चाह रहे थे, ये अब 100% जो है इसमें चेंजिंग हो सकता है। जितने सारे पोस्ट हैं काउंसलिंग के लिए, चाहे वो फाइनल सबमिट के लिए कोई भी हो फ्रेंड्स, सभी में चेंजिंग होना निश्चित रूप से अनिवार्य है, क्योंकि जैसे ही अब रीशेड्यूल होगा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होंगे, तमाम तरह की जो है कमियों का पता चलेगा और उसको दूर करने के लिए फिर से नया सारी प्रक्रिया होंगी और ये जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम कहते हैं अपडेट बनाए रखें, यह नहीं कि हम काउंसलिंग में नहीं आए तो अब अपडेट नहीं रखें। ऐसे लॉट ऑफ कैंडिडेट को हम देखते हैं सूचनाओं के अभाव में सेलेक्ट होते हुए भी नॉन सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स सेलेक्ट होते हुए भी नॉन सेलेक्ट हो जाते हैं सूचनाओं के अभाव में। इसीलिए फ्रेंड्स अपडेट बनाए रखें, अपडेट आए या ना है, ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग लिस्ट में नए हैं तो अपडेट नहीं रखें। अभी जो अपडेट आई है, अगर आप अपडेट नहीं रहे होंगे तो आप इससे वंचित हो जाएंगे। अगर आपकी चांसेस सेलेक्ट होने की भी है तो आप नॉन सेलेक्ट हो जाते, तो इसीलिए फ्रेंड्स अपडेट बनाए रखें। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें फ्रेंड्स, आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट ऑफिशियली प्रोवाइड करा सके, कोई भी रॉन्गली न्यूज नहीं, यही हमारी कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों सहयोगी फ्रेंड्स, जो भी नए अपडेट आते हैं हम अपडेट देते रहते हैं। कोई भी क्यूरियो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। बने रहिए इस चैनल के साथ, जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, ये 2.5 दिनों में बुलाया गया था, देख सकते हैं फ्रेंड्स सीट के 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं फ्रेंड्स ये रीशेड्यूल होंगे, क्योंकि जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का निकाला गया है डेट 7 जून 2019, जो कि हम प्रीवियस वीक पहले भी कह रहे थे कि ऐसा निकाला जाएगा और ये बातें सही साबित हुई। जितने भी हमारे सारी बातें थी, चाहे वो कटअप के हो, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के हो, डेट, सारी बातें इस चैनल पे सही साबित हुई, सही अपडेट दी जाती है फ्रेंड्स विथ प्रूफ के साथ।
तो फ्रेंड्स कोई भी रॉन्गली इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सेट फ्रेंड्स हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, चाहे वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन से हो या किसी से भी हो, कोई भी क्यूरियो फ्रेंड्स करियर से रिलेटेड हो, स्टडी से या इससे फॉर्म फिलअप से किसी से भी हो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो भी क्यूरी हैं जिसको आप दूर करना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछें, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करें, जिससे कि आप नॉन सेलेक्ट हो गए हैं अगर, तो ज़्यादा ज़्यादा आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करें अपने क्यूरी को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नए वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स एक और बात आप लोगों को बतानी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स स्पेशल सर्वे क्लर्क की जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, तो ये आपका काउंसलिंग अंडर ऑन रिजर्व कैटेगरी, ये यूआर कैटेगरी की जो 550 सीटें निकली हुई हैं स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए, जिसमें से इसके लिए जनरल के लिए 220 सीटें थे, EWS के लिए 55, EDC के लिए 99, OBC के लिए 66, OBC वुमन के लिए 16, ST के लिए 88, ST के लिए 6, इस तरह कुल 550 सीटें थी। तो फ्रेंड जिस भी पोस्ट के लिए निकली हो, जितनी भी सीटें हो कैटेगरी वाइज, उन सभी सीटों के 2.5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है कैटेगरी वाइज। फ्रेंड दिखाते हैं आपको कैसे विथ प्रूफ जो 2.5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, कैसे ईवर के लिए इसमें 220 सीटें हैं स्पेशल सर्वे क्लर के लिए, तो 220 का आप 2.5 गुना करेंगे, ये आपका 550 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में जो है बुलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरुआत करते हैं, ये सीरियल नंबर है 1 नंबर से, इसी तरह देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये 550 कैंडिडेट होना चाहिए टोटल 19 पेजेज में है ये, फ्रेंड देख सकते हैं ये लास्ट पेज है 550
ओवरऑल है, ठीक है, जनरल का। तो फ्रेंड्स इसी तरह हर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं उसके 250 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब ये जितने भी लिस्ट पब्लिश हुए हैं पूर्व में फ्रेंड्स, चाहे वो आपके काउंसलिंग से हो या फाइनल सबमिट से हो, नॉन फाइनल सबमिट से, ये सभी लिस्ट जो है चेंजिंग होगा। अब रॉन्ग हो गया है कारण कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन निकाल दिया गया है। आपके जो भी एरर हैं, चाहे नेम में हो, कैटेगरी में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, जेंडर में हो, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है उसमें हो, डोमिसाइल में हो, फिजिकल फ्रीडम फाइटर जो भी हो, फाइनल कटअप में हो या मार्क्स में हो जो आपने एरर कर दिया हो, किसी में भी हो फ्रेंड्स, तो आप अपना चेंज कर सकते हैं बिफोर 7 जून 2019 तक 11:59 PM तक रात के। उसके बाद कोई भी जो है आप मेल वगैरह जो भी करेंगे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करें, जो भी आपकी क्यूरी है सॉल्व करने के लिए, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके, इस सूचना से अवगत तो हो सके। तो फ्रेंड्स एक और बातें हैं जो कि कमेंट आया था कि सर जो है अदर स्टेट का शो नहीं कर रहा है, कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनका शो नहीं कर रहा है, वो चेक नहीं कर पाए थे। तो देखिए हम बताते हैं आपको फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं डोमिसाइल ऑफ बिहार, आप कहाँ के निवासी हैं, ये जिस पर भी यस किया गया है फ्रेंड्स, ये ओवरऑल ऑल कैंडिडेट जो है इनका स्थायी निवास जो है बिहार है, इसलिए इस पर यस किया गया है। और जो कॉलम जो है ये आपका देख सकते हैं ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ये आपके अदर स्टेट का है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इन्होंने प्राइवेट से किया है अपनी जो भी डिग्री है, और ये अदर स्टेट के हैं। इसी तरह आप बीच बीच में देखेंगे ये अदर स्टेट के हैं, जहाँ पे यस नहीं लिखा है, जो कि अदर स्टेट जनरल में आते हैं, तो देखिए जनरल में काउंट हुआ है इनका। फ्रेंड्स इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स कि देखिए इसमें जनरल में ये नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व में, इसमें SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, BC कैटेगरी के भी हैं, EWS के भी हैं, EBC भी हैं, ओवरऑल सब को ही है। कारण ये है कि फ्रेंड्स जिनका भी हायर मार्क्स है वो सारे कैंडिडेट
अनरिजर्व में चले आते हैं, एक अपने कैटेगरी में और एक अनरिजर्व में। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें EWS के भी है, EBC के हैं, जनरल के हैं, BC के हैं। अभी आपको SST का दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी का भी है, ST का भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ST कैटेगरी का है। तो फ्रेंड्स सारे कैटेगरी के हैं इसमें, ये नहीं है कि सिर्फ ये जनरल के हैं इसमें अनरिजर्व। इनका भी हायर मार्क्स होता है, वो उनका एक लिस्ट जनरल में चला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इनका दो जगह लिस्ट हो गया हमने, एक तो कैटेगरी में और एक इनका जो जनरल में ओवरऑल। तो इस तरह फ्रेंड्स सीटें खाली रहती हैं कैटेगरी में, अगर ये जनरल में सिलेक्शन ले लिए तो, जनरल में नहीं लेते हैं तो कैटेगरी में। इसी तरह सीटें खाली रहती है फ्रेंड, जिससे सेकेंड काउंसलिंग की संभावना बनती है। और निश्चित ही रूप से ये तो जो भी लिस्ट है ये तो फिर रीशेड्यूल होगी, तो ये जितनी है ये ओल्ड हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब रीशेड्यूल बनना है। तो फ्रेंड्स ये नहीं है कि आप अपना कैटेगरी में चेक करें, इसमें भी चेक करें, जनरल में जो आपका कैटेगरी है उसमें तो चेक करें ही, आप सभी में चेक करते रहें। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरी फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपके बहुत सारे क्यूरी को सॉल्व किया गया है। अगर आप भी कोई क्यूरी फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि आपके क्यूरी को सॉल्व किया जा रहा है। आप कमेंट करें, लाइक करें, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट ऑफिशियली प्रोवाइड करा सके। यही हमारी कोशिश होती है, कोई भी रॉन्गली नहीं, नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव यू एनी क्यूरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।